सेंगोल इसी सेंगोल को नए सांसद भवन में प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा अध्यक्ष के बगल में स्थापित करेंगे। पर आखिर क्या है सेंगोल, तो चलिए देखते हैं। पर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दो, बस लाल वाले बटन को दबाना है। सेंगोल का अर्थ है कि धर्म, सच्चाई और निष्ठा। बेसिकली सेंगोल एक आकृति है जिसके सबसे ऊपर नंदी है और बगल में कलाकृति बनी है। आकार में 5 फीट लंबी सोने और चांदी से बनाई गई है। पर आप सब सोच रहे होंगे इसका उपयोग क्या है, तो चलिए इसके पीछे का इतिहास जानते हैं। 14 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ, तब लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा कि पावर ट्रांसफर करने के लिए मैं आपको ऐसी क्या वस्तु दूं? तो तभी नेहरू जी ने अपने सहयोगी सी गोपालचारी की सलाह ली। तो गोपालचारी ने कहा कि मौर्य साम्राज्य और चौल साम्राज्य में परंपरा थी कि जब कोई राजा सत्ता ग्रहण कर रहा हो तो राजगुरु उसे सेंगोल देते थे, बेसिकली पावर ट्रांसफर करते थे। इस बात को सुनकर नेहरू जी ने अपने सहयोगी को सेंगोल बनवाने की सलाह दी। तो सोने और चांदी से बनाकर थिरुवदुथुरई मठ के राजगुरु का आशीर्वाद लेकर इसे लॉर्ड माउंटबेटन को सौंपा था। बाकायदा पूजा पाठ के बाद प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सौंप दिया गया। आजादी के समारोह के बाद सेंगोल को प्रयागराज के संग्रहालय में रखवा दिया गया। अब जब नए सांसद में इसे रखने की चर्चा चली है, तब देश के अनेक संग्रहालयों में इसकी खोज की गई, तो अंत में यह प्रयागराज संग्रहालय में मिला है। सेंगोल के इतिहास को जानकर अच्छा लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं कमेंट करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मैं आपसे रजा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।